दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं इस मोटिवेशनल स्टोरी की सीरीज में आपका। और दोस्तों एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे जिसको सुन के आपको लगेगा कि बंदे के अंदर अगर हौसला है और जुनून है और अगर वो मेहनत करता है तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों एक ऐसी लड़की की कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल के बाहर एक कचरे के डिब्बे में डाल के चले जाते हैं। सौभाग्य से उसी के पास एक अनाथ आश्रम था तो किसी की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है और वो देखते हैं तो उसको अनाथ आश्रम में लेके आते हैं और अनाथ आश्रम में उसका नाम रखा जाता है, लैला उसका नाम वहाँ पे रखा जाता है। और जब वो वहाँ पे 21 दिन की हो जाती है तो उसी टाइम पे एक अमेरिका का एक दंपत्ति था, वो इंडिया घूमने के लिए आया हुआ था, उसको एक लड़का गोद लेना था। तो किसी ने बताया कि आप पुणे के इस अनाथ आश्रम में आप जा सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको लड़का गोद मिल जाए। कुछ टाइम पहले वो इंडिया आए थे तो वो बेंगलोर के एक अनाथ आश्रम से एक लड़की को वो गोद ले चुके थे। अब की बार एक लड़के को वो गोद लेना चाहते थे और वहाँ जैसे अनाथ आश्रम में पहुँचते हैं अनाथ आश्रम का जो प्रशासन है उससे वो बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा कोई लड़का नहीं है वो जिसको गोद ले सकें। तो उसी टाइम पे जो लेडीज थी उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, वो उसको देखती है तो उसको वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है और वो अपने पति से कहती है कि हम लड़के की बजाय क्यों ना इस लड़की को ही गोद ले लेते हैं। तो वो उस लड़की को गोद लेते हैं, जैसे तैसे करके 3 दिन के अंदर उसका वीजा बनवाया जाता है और उस लड़की का नाम अब लैला से चेंज करके लीसा रखा जाता है और वो उसको लेके अमेरिका चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो काम की खोज में अमेरिका से केन्या जाते हैं। कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद वहाँ से 2 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं और अब तक वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रह रहे हैं। दोस्तों जैसे ही वो लड़की 7-8 साल की होती है तो उसका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा था तो उसके इंटरेस्ट को देखते ही उसके जो पिताजी थे वो उसको एक लड़कों का एक क्लब था वहाँ पास में ही उसमें वहाँ उसको छोड़ देते हैं और वो वहाँ पे कुछ टाइम प्रैक्टिस करती है, अच्छा खेलती है और उसके बाद देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त टैलेंट इस लड़की के अंदर है। वहाँ पे जो कोचिज थे वो उसको एक और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ पे डाल देते हैं। और दोस्तों जब वो लड़की बड़ी होती है तो अपनी स्टेट टीम के लिए खेलती है, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 फॉर्मेट खेलती है और टाइम के साथ वो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसकी कप्तान बनती है। और दोस्तों उसकी कप्तानी में बड़े बड़े रिकॉर्ड वो बनाती है, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर वो बनती है और 2013 का वर्ल्ड कप जितवाने के बाद वो संन्यास ले लेती है और उसके बाद वो कमेंटेटर के रूप में और अदर कुछ काम के रूप में भी फेमस होती है। तो दोस्तों हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसका नाम लीसा स्थालेकर है और आज एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, बहुत ही ऑलराउंडर, ज़बरदस्त ऑलराउंडर के रूप में उसका नाम लिया जाता है और ऐसी पहली महिला वो बनती है जिसने वनडे क्रिकेट के अंदर 100 विकेट वो लेती है और 1000 से ज़्यादा रन बनाती है। तो दोस्तों आप सबको लग सकता है कि ये जो स्टोरी है इसमें उस लड़की का सौभाग्य था कि उसको एक अच्छे माँ बाप मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो पाती है और इतनी आगे तक वो जा पाती है। कुछ हद तक आप सही भी हो सकते हैं कि उसको एक अच्छे माँ बाप मिलते हैं, लेकिन दोस्तों कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे घर में पैदा होते हैं जिनको अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छा पैसा उनकी कोचिंग के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी वो खर्च करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों यहाँ पे जो खास बात ये है कि उस लड़की ने जो मेहनत की है उसके दम पे वो आगे बढ़ती है, उसके दम पे वो ये जितनी भी उपलब्धियां हैं वो हासिल करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो स्टोरी है उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।